प्रभारी मंत्री ने ग्राम पंचायत टेंगाई में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी से है, जहां यूपी के कौशाम्बी जिले में प्रभारी मंत्री ने ग्राम पंचायत टेंगाई में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में प्रतिभाग कर केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया तथा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई एवं बच्चों को अन्न प्राशन कराया एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को आवास की चाबी व स्वीकृत मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास स्वीकृत प्रमाण पत्र एवं स्वयं सहायता समूह को RFCIF व CCL के तहत ₹14,95,000 का चेक भी वितरित किया। वहीं प्रभारी मंत्री ने ग्राम पंचायत में केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा कराए गए विभिन्न कार्यों खड़ंजा गौशाला व प्राथमिक विद्यालय में मरम्मत का कार्य एवं हैंडपंप रिबोर आदि की जानकारी प्राप्त करते हुए कार्यों का सत्यापन किया। उन्होंने ग्राम पंचायत में कितने लोगों को राशन कार्ड आवास पेंशन PM सम्मान निधि आदि मिल रही है उसकी भी जानकारी प्राप्त की। वहीं प्रभारी मंत्री द्वारा ग्रामवासियों से ग्राम में विद्युत आपूर्ति एवं वरासत के लंबित प्रकरण की जानकारी प्राप्त करने पर बताया गया कि विद्युत आपूर्ति शासन द्वारा निर्धारित अवधि तक की जा रही है तथा वरासत का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। वहीं प्रभारी मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की मंशा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विभिन्न योजनाओं से लंबावित तथा सरकार की मंशा सिर्फ गरीबों की मदद एवं उनका कल्याण करना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से गरीबों को लंबावित करने के निर्देश देते हुए कहा कि ग्राम पंचायत टेंगाई में कैंप लगाकर शेष रह गए सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन आवास सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लंबावित किया जाए तथा सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकार की एक एक योजना पात्र व्यक्ति तक पहुंचे इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने विद्यालयों में बच्चों को उपस्थित पर भी विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर भी कैंप लगाकर पात्र व्यक्तियों